हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक सॉल्यूशन। आज हम डिस्कशन करेंगे बैरल रेसिडेंट टाइम कैलकुलेशन। बैरल रेसिडेंट टाइम कैसे कैलकुलेशन करता है, इंजेक्शन मोल्डिंग का बैरल रेसिडेंस टाइम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, हम आज डिस्कशन करेंगे। बैरल रेसिडेंस टाइम बोला तो क्या है, इज द टाइम टेकन बाय प्लास्टिक मटेरियल इनसाइड द बैरल फ्रॉम एंट्री ऑफ द प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स फ्रॉम द होपर टू द एग्जिट थ्रू द नोजल टिप। प्लास्टिक मटेरियल क्या रहता है, वो होपर का एंट्री से नेक्स्ट बैरल थ्रू बैरल नोजल टिप से बाहर जाने के लिए कितना टाइम लेता है, कितना टाइम तक वो मटेरियल बैरल का अंदर रहता है, ये है बैरल रेसिडेंस टाइम। वो हमने एक्सप्रेस कर लेता है उसको सेकेंड और मिनट में। ये इमेज देखा तो क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा। मटेरियल होपर का एंट्री से, होपर एंट्री से इधर नोजल टिप तक ये स्पेस में क्या रहता है, इतना जगह से कितना टाइम तक मटेरियल बैरल का अंदर रहता है, ये है रेसिडेंस टाइम। मटेरियल इधर इन हो गया, इधर मेल्ट हो गया, मेल्ट हो गया, बाद में नोजल से मटेरियल का अंदर फिल हो गया, मोल्ड का अंदर फिल हो जाएगा, ये कितना टाइम तक बैरल का अंदर रहता है, ये है बैरल रेसिडेंस टाइम। इन केस बैरल रेसिडेंस टाइम एक्सेस हो गया तो, ज्यादा हो गया तो, ज्यादा टाइम तक बैरल का अंदर मटेरियल है तो क्या क्या दिक्कत हो जाता है, मटेरियल वीक हो जाता है, नेक्स्ट मटेरियल बैरल का अंदर डिग्रेड हो जाता है। मटेरियल बैरल का अंदर डिग्रेड हो गया तो हमको फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट अच्छा से नहीं आ पाएगा, इसमें मोल्डिंग डिफेक्ट आने के लिए चालू हो जाएगा। इसके लिए एक मटेरियल को कितना टाइम तक बैरल का अंदर रेसिडेंस टाइम रहता है उसका, एज पर डाटा शीट में हमने रेफर किया तो एक एक मटेरियल का कितना रेसिडेंस टाइम रहेगा, उतना टाइम तक ही वो बैरल का अंदर मटेरियल रेसिडेंस रहना चाहिए। बैरल कैसा कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, रेसिडेंस टाइम कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है। रेसिडेंस टाइम इज इक्वल टू वेट ऑफ द मटेरियल इन बैरल इंटू साइकिल टाइम डिवाइडेड बाय शॉर्ट वेट। वेट ऑफ द मटेरियल इन बैरल, वो मोल्ड मशीन का स्पेसिफिकेशन से हमको पता चल जाएगा वेट ऑफ द मटेरियल बैरल का, मटेरियल शॉर्ट कैपेसिटी साइज क्या है। नेक्स्ट साइकिल टाइम, मटेरियल इंजेक्ट होके हमको फाइनल प्रोडक्ट आने तक क्या साइकिल टाइम आ जाता है ना, कंप्लीट साइकिल टाइम को साइकिल टाइम कंसिडर करने का डिवाइडेड बाय शॉर्ट वेट। शॉर्ट वेट बोला तो कंप्लीट कितना कैविटी का प्रोडक्ट है, कैविटी उतना पार्ट प्लस फीड सिस्टम, ये हो जाता है शॉर्ट वेट। इसमें रेसिडेंस टाइम इन सेकेंड, शॉर्ट वेट इन ग्राम्स, साइकिल टाइम इन सेकेंड। वेट ऑफ द मटेरियल इन बैरल, वो उस ये कैसा पता चलेगा हमको, मशीन का शॉर्ट कैपेसिटी क्या है, शॉर्ट कैपेसिटी उसका मैनुअल से हमने निकाल देता है शॉर्ट कैपेसिटी, नहीं है तो बैरल का ऊपर लिखा हुआ रहता है ये बैरल का शॉर्ट कैपेसिटी क्या है, उसको इंटू टू टू से मल्टीप्लाई किया तो हमको आ जाता है वेट ऑफ द मटेरियल इन बैरल। एक एग्जाम्पल हमने कंसिडर करेंगे, कुछ वैल्यू कंसिडर करके एक एग्जाम्पल ले देख लेंगे हम। वेट ऑफ द मटेरियल इन बैरल 120 ग्राम, शॉर्ट वेट 9.30 ग्राम, साइकिल टाइम 24 सेकेंड। मटेरियल कंसिडर करेंगे हम पीपीएस 40% ग्लास फील्ड मटेरियल। ये रेसिडेंस टाइम कैलकुलेशन किया तो 309 सेकेंड आ जाता है। हम उसको कन्वर्ट करेंगे मिनट में, 5.16 मिनट्स आ जाता है। मैंने मिनट में क्यों कन्वर्ट किया, रेसिडेंस टाइम ऑफ द पीपीएस ऑफ 40% ग्लास फील्ड मटेरियल का डाटा शीट में दिया हुआ है लेस देन 6 मिनट होना चाहिए, इसके लिए मैंने वो मिनट में कन्वर्ट किया। अभी हम कंपेयर किया तो लेस देन 6 मिनट, 6 मिनट, 5.16, 6 मिनट से हमको कम आ रहा है, मतलब अभी ये डाटा अभी ये प्रोसेस सही है, रेसिडेंस टाइम सही है, जिसकी वजह से हमने मैक्सिमम मोल्डिंग डिफेक्ट को कंट्रोल कर सकता है। डाटा शीट में देख सकते हो पीपीएस मटेरियल का कितना दिया हुआ है, पीपीएस मटेरियल का 6 मिनट दिया हुआ है रेसिडेंस टाइम, और द ऑप्टिमल मेल्ट रेसिडेंस टाइम फॉर दिस वन इज द पीपीएस मटेरियल, पीपीएस का मटेरियल का ग्रेड है इज लेस देन 6 मिनट। अलग अलग पॉलीमर का अलग अलग रेसिडेंस टाइम रहता है। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी कंसिडर किया तो एबीएस मटेरियल, एबीएस मटेरियल का क्या है, 2 मिनट से 11 मिनट तक है, मतलब लेस देन 11 मिनट, 11 मिनट से कम होना चाहिए।
2 मिनट से चलो ग्रीन में कितना है उतना कंसिडर करना चाहिए, हमने येलो में कंसिडर किया तो चांसेस ऑफ मोल्डिंग डिफेक्ट ज्यादा हो सकता है इसमें, इसके लिए ग्रीन में कंसिडर करने का 2 से 11 मिनट। इनकेस रेड में आ गया तो, ये रेड जोन में आ गया तो क्या हो जाता है, रेड में आ गया तो इतना कम साइकिल टाइम में, इतना कम रेजिस्टेंस टाइम में, 0 से 1 मिनट, 1 मिनट से बैरल से मटेरियल बाहर फ्लो हो गया तो, नोजल टिप से बाहर आ गया तो वो कंप्लीटली मेल्ट नहीं होगा, मेल्ट नहीं हुआ तो एक नोजल ब्लॉक हो जाएगा, नहीं तो स्प्रूबिश में आके मटेरियल अटकेगा, नहीं तो कंप्लीट फिल नहीं हो पाएगा। इसके लिए इतना कम टाइम में भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट येलो में है, इसमें थोड़ा ज्यादा मोल्डिंग डिफेक्ट आने के लिए चांसेस रहता है, इसके लिए इसमें भी नहीं चाहिए, ग्रीन जोन में रहना चाहिए हमेशा। इसमें इनकेस ज्यादा हो गए तो, 12 मिनट तक ज्यादा हो गए तो मटेरियल पूरा कंप्लीटली पानी जैसा हो जाएगा, ज्यादा मेल्ट होके पूरा डिग्रेड हो जाएगा मटेरियल, इसके लिए ज्यादा भी नहीं रहना चाहिए, एक ग्रीन में रहना चाहिए। अलग अलग पॉलीमर का दिया हुआ है इधर चार्ट, ये चार्ट कंसिडर कर सकते हैं कितना कौन सा मटेरियल को कितना रेसिडेंस टाइम रहना चाहिए, नहीं तो एवरी डाटा शीट में भी दिया हुआ रहता है, डाटा शीट से ही रेफर कर सकता है। दिस इज ऑल अबाउट द बैरल रेसिडेंस टाइम। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।